रेड क्रॉस के माध्यम से सारे देश में अपनी निस्वार्थ सेवाएं देने वाले मेरे सभी रेड क्रॉस के जो समर्पित योद्धा हैं उनको मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपका सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और विशेष रूप से मेरे साथ यहाँ पर श्री आर के जैन साहब हैं जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, वो दिल्ली में यहाँ मेरे स्वास्थ्य मंत्रालय में ही मेरे साथ हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे देश के रेड क्रॉस के हमारे सभी वरिष्ठ साथियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे साथ जोड़ा है। मैं जानता हूँ कि आज हमारा देश और सारी दुनिया कोविड-19 के साथ एक जंग लड़ रही है और इस जंग में सारी दुनिया एक साथ सामूहिक प्रयास कर रही है कोविड-19 को हराने के लिए। भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोविड-19 के खिलाफ जंग को शायद दुनिया में सबसे पहले हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया। हमने एक दिन की भी देरी नहीं की। आप सब जानते हैं कि 31 दिसंबर 2019 को सबसे पहले चाइना ने दुनिया को ये बताया कि उनके देश में कुछ निमोनिया के केसेस आ रहे हैं जो किस कारण से हो रहे हैं उसकी जानकारी उनको नहीं पता लग पा रही है। और फिर उसके 7 ही दिन के बाद 7 जनवरी को उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया कि हमारे देश में आने वाले नए निमोनिया के केसेस ये एक कोरोना वायरस के कारण हैं। 7 दिसंबर को ये जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में 24 घंटे के भीतर यहाँ पे अपने एक्सपर्ट्स का जो एक टेक्निकल ग्रुप है जो साल भर समय समय पर मिलता है नई बीमारियों के आने के बाद उनसे लड़ने की रणनीति तैयार करता है, नई पॉलिसीज़ को डिस्कस करता है। हमने 8 जनवरी को ही उसकी मीटिंग यहाँ बुलाई थी और इस विषय पर विस्तार से चर्चा की कि अगर ये नया कोरोना वायरस भारत में आता है तो भारत को क्या करना है। शायद तब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि, और हमने भी नहीं सोचा था कि ये इतने बड़े पैमाने पर भारत में और दुनिया के अंदर आ सकता है। अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर हमने अपने भारत के डिटेल्ड रिस्पॉन्स को पूरी तरह से तय कर लिया था और 17 जनवरी को सारे देश को, हमने सारे स्टेट्स को डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरीज दी। देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस की प्रक्रिया को शुरू किया। देश के 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर चाइना से आने वाले जो सभी पैसेंजर्स थे उनकी स्क्रीनिंग, और बाद में उसमें हमने हांगकांग और दूसरे स्थानों को जोड़ा धीरे धीरे करके, उसको प्रारंभ किया। और उसके बाद से लगातार 3 महीने से कंटिन्यूस प्रक्रिया चल रही है जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कैबिनेट सेक्रेटरी और सरकार के सभी विभागों के साथ मिलकर इस सारी कोविड के खिलाफ लड़ाई पर पैनी नज़र रखे हुए हैं।
दूसरी तरफ हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय सारे देश में सभी स्वास्थ्य सचिवों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, फील्ड में काम करने वाले हमारे सभी सर्वेलेंस ऑफिसर्स के साथ और हमारी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी संबंधित संस्थाएं हैं उनके साथ संपर्क बनाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी के शुरुआत में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया जो स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में था, उसमें दूसरे मंत्री भी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स के, एविएशन के, फार्मास्यूटिकल्स के, होम के साथ जुड़े हुए हमारे स्टेट मिनिस्टर और बहुत वरिष्ठ अधिकारी उसमें थे, जो 12 बार मिला और उसने लगातार इसके बारे में जो रणनीति है उसको समय समय पर रिवाइज़ किया। हमने 7 एयरपोर्ट से काम शुरू किया था, उसको 30 एयरपोर्ट्स तक ले गए, समय समय पर एडवाइजरीज दी तरह तरह की देश के लोगों को और देश के बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको, और फिर प्रधानमंत्री जी ने बीच में बहुत सारी और व्यापक योजनाएं बनाई, 11 बड़े एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए। आप जानते हैं कि धीरे धीरे करके हमने देश के 30 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू की। दुनिया में किसी भी स्थान से आने वाली हर फ्लाइट पर आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग शुरू की और अंत में 19 मार्च के आते आते हमने सारे दुनिया से सब फ्लाइट्स का आना भारत में बंद किया। 15,000 फ्लाइट्स के पैसेंजर्स को स्क्रीन किया और 15.5 लाख लोगों को जो हवाई जहाज से भारत में आए उनको स्क्रीन किया। नेपाल में पहला केस आया तो नेपाल के पास के सारे पांचों भारत के प्रदेशों में बॉर्डर पर स्क्रीनिंग शुरू की जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन किया। देश के 12 मेजर सी पोर्ट्स और 65 नॉन मेजर सी पोर्ट्स पर 47,000 लोगों को स्क्रीन किया। लगातार कम्युनिटी सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसके माध्यम से लाखों लोगों को हम कम्युनिटी सर्वेलेंस के दायरे में रखे हुए थे। 8 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को कम्युनिटी सर्वेलेंस में रखा गया, 1,000 लोगों को होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया। अब से कुछ साल पहले जहां इस वायरस के टेस्टिंग के लिए जो सैंपल है वो अमेरिका जाता था और जनवरी के महीने में हमारे पास एक लैब थी पुणे के अंदर जो इस प्रकार की टेस्टिंग कर सकती थी, इस 3 महीने में आप जानते हैं कि हमने सरकार की 200 लैब्स देश के अंदर स्थापित कर दी और आज तक करीब 4.5 लाख लोगों को हम टेस्ट कर चुके हैं। एक एक दिन में 35,000 से 40,000 लोगों का इस समय टेस्ट हो रहा है, यानी जो कुछ भी संभव हो सकता है वो सब कुछ हमने किया। आप जानते हैं 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी की अपील पर जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद पहले लॉकडाउन की घोषणा हुई, अभी दूसरे लॉकडाउन की घोषणा हुई, सारे देश के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थिति भी आ जाए तो उसका सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर आज भी 600 से ज़्यादा एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, बहुत बड़ी संख्या के अंदर कोविड केयर केंद्र, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन पीपीई किट्स, N95 मास्क, ज़रूरत की सारी दवाइयाँ, इन सब की एक्सट्रीम से एक्सट्रीम परिस्थितियाँ आने पर भी कितनी कितनी आवश्यकता हो सकती है, इन सब का हमने पूरा का पूरा इंतज़ाम किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि सारी दुनिया से हिंदुस्तान बहुत बेहतर स्थिति में है, इसलिए
कि हमने सारे स्टेप्स को प्रोएक्टिवली लिया, प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजीज को अपनाया, समय रहते जो कदम उठाने थे वो सारे के सारे उठाए, और आपके जैसे अनेकों संस्थाओं के साथ, उनके वॉलंटियर्स के साथ एक्टिव संपर्क किया। आज भी सुबह मैंने सारे देश भर के रोटरी इंटरनेशनल के प्रमुख लीडर्स के साथ, लगभग 1400 लीडर्स के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। दो दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के देश भर के अंदर 1600 स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बहुत बड़ी संख्या में उनके फील्ड में काम करने वाले जो सर्वेलेंस के मेडिकल ऑफिसर्स और दूसरे मॉनिटर्स थे उनके साथ, दो दिन से लगातार मैं दिल्ली की प्रमुख रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और एनजीओज के साथ इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हैं देश के मुख्यमंत्रियों के साथ, देश के डॉक्टरों के साथ, दूसरे सभी अनेक संस्थाओं के साथ। हमने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के देश भर के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा है कि सारे देश को, सारी दुनिया के साथ मिलकर इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ना है। भारत के प्रयासों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और सारी दुनिया ने सराहना की है। सारे दुनिया के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और दक्षिण पूर्व एशिया के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्लेटफॉर्म पर हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। कल शाम को, परसों शाम को G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, और इन सब पूरी तैयारियों का परिणाम ये है कि अभी आपको जैसे रोज़ 4 बजे जानकारी भी दी जाती है, हम बेहतर स्थिति में भी हैं। भले ही थोड़े थोड़े मात्रा के अंदर केसेस भी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक हो रहा है, और जो बीमारी के बढ़ने का जो पैरामीटर्स होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं, उसमें जो डबलिंग रेट होता है, एक बड़ा आंकड़ा होता है, वो डबलिंग रेट हमारा दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। जो लॉकडाउन से पहले अगर 3 दिन था तो आज वो 7-8 के आसपास जो है वो फिगर हमारी आ गई है। सारे देश में हमको ये भी पता है कि हमारा दुश्मन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, किस किस मात्रा में है, उसकी क्या तैयारी है। तो सारे देश के डिस्ट्रिक्ट्स को हमने हॉटस्पॉट्स, नॉन हॉटस्पॉट्स, और बाकी फिर वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें कोई भी अभी तक बीमारी का दुष्प्रभाव नहीं हुआ है, उसमें डिवाइड किया है। हॉटस्पॉट्स के लिए, नॉन हॉटस्पॉट्स डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग रणनीति है, क्लस्टर कंटेनमेंट की, मैसिव आउटब्रेक कंटेनमेंट की, और उसके अनुरूप हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने इन सब चीज़ों का उल्लेख इसलिए किया कि आप रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हो, बहुत गहराई और गंभीरता से फील्ड में काम कर रहे हो। मेरी जानकारी में 40,000 से ज़्यादा हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स लगातार निस्वार्थ भाव से देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे जानकारी है कि आप फील्ड में सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो लोगों के लिए ज़रूरत की, वो खाने के पैकेट्स हो या दूसरी सामग्री हो, वो लोगों तक प्रोएक्टिवली पहुंचा रहे हैं। जो लोग, जिनको कोई रैन बसोरों की, शेल्टर्स की, रहने की जगह की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं फंस गए हैं देश भर में, ऐसे स्थानों पर आप उनकी मदद कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने पिछले दिनों भी मीटिंग की थी और रेड क्रॉस के सभी लोगों के साथ बातचीत की थी कि आज जब देश में बहुत सारे हमारे
थैलेसीमिया के मरीज़ और दूसरी ऐसी बीमारियों के मरीज़ जिनको लगातार रोग मुक्त रक्त की, सेफ ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लगातार उनको डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त ब्लड बैंक्स में उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ रेड क्रॉस ने आगे आकर इस परिस्थिति में भी इसको मुहिम की तरह लेने का प्रयास शुरू किया है। हमने भी रेड क्रॉस से अनुरोध किया था और रेड क्रॉस ने एक आगे बढ़कर कहा कि किसी को भी कहीं रक्त नहीं मिलेगा तो हम रेड क्रॉस में उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली में मुझे पता है कि 38,000 स्वैच्छिक रक्तदाताओं के साथ एक्टिवली रेड क्रॉस संपर्क कर रहा है, जो आज की परिस्थिति में लॉकडाउन में रक्तदान नहीं कर सकते, सड़क पर नहीं आ सकते, उनको उनकी स्वीकृति और इच्छा व्यक्त करने पर घर में व्हीकल भेजकर और ब्लड बैंक में बुलाकर उनका रक्तदान करा रहा है। अपनी एम्बुलेंस और अपनी वैन्स को भेजकर लोकलाइज्ड इलाकों में छोटे छोटे कैंप्स लगा रहा है और वहाँ पर फील्ड में मोबाइल वैन्स के अंदर रक्तदान हो रहा है। और अभी जिस प्रकार से COVID-19 के इलाज के लिए कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, यानी जो मरीज़ ठीक हुए हैं कोविड की बीमारी को प्राप्त करने के बाद, उनका अगर ब्लड डोनेशन कराया जाए और उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाए, तो ऐसा दुनिया के अंदर अध्ययन हुआ है। हमारे यहाँ पर भी ICMR ने और हमारे ड्रग कंट्रोलर ने इसके लिए स्वीकृति दी है, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स बनाकर कि ऐसे कोविड से प्रभावित जो हो चुके हैं वो मरीज़ अगर अपना ब्लड डोनेशन करके और प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उनका प्लाज्मा जो है कोविड के गंभीर मरीज़ों में अगर इस्तेमाल होता है तो उसमें उनके ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस काम पर भी ट्रायल हो रहा है और इसके अंदर भी मुझे बताया कि रेड क्रॉस ने विशेष रूप से गुजरात में एक मरीज़ का इस प्रकार के डोनेशन कराया और एक दर्जन से ज़्यादा इस तरह के मरीज़ों को मोटिवेट किया है, प्रभावित किया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप समय की नज़ाकत के हिसाब से जो जो ज़रूरी नए एक्शंस लेने हैं वो सब भी आप लोग कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं, लेकिन अपने आप को मैं इसी संक्षिप्त कमेंट्स के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, आपको अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा आभास है। देश को आज जहां एक तरफ डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, इस तरह के कोविड वॉरियर्स जो फ्रंट से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपके जैसे वॉलंटियर्स भी कोविड वॉरियर्स के सहयोग में फ्रंट से लड़ाई लड़ते हुए इस काम को और ज़्यादा मुस्तैदी से करें, मुझे पूरा विश्वास है कि जब देश पूरी योग्यता, गंभीरता और संवेदनशीलता के भाव से इस जंग में अपने आप को जुटाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन इसमें आहुति के रूप में देगा, तो निश्चित रूप से जब चारों तरफ से लोग इस काम में लग जाएंगे तो खाली डॉक्टरों के इलाज करने से ही नहीं, खाली सर्वेलेंस ऑफिसर्स के फील्ड में हाउस टू हाउस सर्वे से ही नहीं, अपितु जितनी और बाकी चीज़ों की समाज को आवश्यकता है उन सब चीज़ों की मदद से हम कोविड के ऊपर जो जंग है उसमें विजय प्राप्त करेंगे। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं
और मैं चाहता हूं कि आरके जैन साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कुछ अभी जो भी उनकी गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे, फिर आप में से कुछ थोड़े से लोगों से भी हम उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को थोड़े समय के बाद समाप्त करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे 40,000 रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स की मदद से हमको समाज की बहुत सारी तकलीफ को दूर करने में सहायता मिलेगी। नेशनल मैनेजिंग बॉडी के मेंबर्स, सभी प्रदेश इकाइयों के ऑफिस बेयरर्स, 1100 के करीब जो हमारी शाखाएं हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे रेड क्रॉसर्स, 577 जिलों के अंदर जो हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और लगभग सभी जिलों से आज इस इंटरेक्टिव सेशन को देख भी रहे हैं, मैं आप सभी के ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी की तरफ से सबसे पहले अपने आदरणीय मंत्री महोदय जी को, जो हमारे नेशनल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ। सर, हम आपके काफ़ी आभारी हैं, हमें मालूम है कि आप कितना व्यस्त हैं, आपका एक एक मिनट एक एक पल व्यस्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप जिस व्यस्तता में जिस हालात में आजकल काम कर रहे हैं उसके बावजूद आपने 1.5 घंटा हम लोगों के लिए निकाला, तो आपके लिए आभारी हैं। और आपने बहुत विस्तृत जानकारी रेड क्रॉस के सभी सदस्यों सभी वॉलंटियर्स को दी, इसके लिए भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं सर आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में जो गतिविधियां रेड क्रॉस की विभिन्न इकाइयों में हो रही है उसका मैं आपकी थोड़े से आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा। सर, जैसे आपने जिलों के अंदर काम कर रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सर, हमने ये कहा है और ये सभी फील्ड में हो रहा है कि जितने भी हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, पैरेलली या इंडिपेंडेंटली कोई नहीं कर रहे। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ये सरकार की मदद से सरकार के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी भी हमारी शाखाएं हैं, चूंकि लॉकडाउन है और शुरू में, अब तो फिर भी संभव है, लेकिन शुरू में सामान को भेजने में परेशानी थी, तो हमारी सभी ब्रांचेज ने, मोस्ट ऑफ देम, उन्होंने लोकल प्रोक्योरमेंट करके काफ़ी सामान बांटा है, जिसके लिए भी ये हमारी सभी रेड क्रॉस की ब्रांचेज और इनके वॉलंटियर्स बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने अपने स्तर पे काफ़ी रिसोर्सेज रेस कर रहे हैं, कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जिन्होंने करोड़ों में रिसोर्सेज लिए हैं, कुछ ने अपने काम की वजह से स्टेट गवर्नमेंट से पैसे लिए हैं, कुछ ने लोकल रिसोर्सेज, कुछ ने अपने वॉलंटियर से डोनर से लिए हैं, ऑल्दो हमने नेशनल हेडक्वार्टर से भी थोड़ा सा पैसे दिए हैं ताकि किसी को पैसों की वजह से काम ना रोक पाए। कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो लगभग हर जिले में हर स्टेट में हो रही है, हमारे वॉलंटियर्स ने जब शुरुआत करी एडवोकेसी से, शुरुआत करी अवेयरनेस से, जिसमें इन्होंने जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में पंपलेट्स बांटे, आईसी मटेरियल बांटा, इसके अलावा इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग में काफ़ी लोगों को फैसिलिटेट किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं जैसे मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ग्लव्स हैं, वो काफ़ी बांटे गए। अब पिछले कुछ दिनों से ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं ये कुक्ड फूड को बांटने में, कम्युनिटी किचन चलाने में, ड्राई राशन बांटने में, और ऐसे जो लोग जिनको ज़रूरत थी, जो फंस गए थे, जो अटक गए थे उनको खाना खिलाने में, बाकी काफ़ी अन्य संस्थाएं भी थी लेकिन रेड क्रॉस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और सभी से जो हमारा फीडबैक है उसमें इन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया। कम्युनिटी सर्विलियंस और कम्युनिटी काउंसलिंग, डोर टू डोर हाउसिंग भी हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। तो बेसिकली सर, अवेयरनेस, एडवोकेसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिटी सर्विलेंस तो सभी जने हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जिन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो कुछ ब्रांचेज में हो रही है, सब में नहीं, कोई 10 ब्रांच में हो रही है, 10 स्टेट्स में हो रही है, कोई 15 स्टेट्स में हो रही है,
ऐसे शेल्टर होम्स चलाए जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर काफ़ी मात्रा में शेल्टर होम्स हैं, असम में शेल्टर होम्स हैं, जिसमें उन्होंने जो ऐसे यात्री थे जो असम आए थे, जो कामाख्या टेम्पल के लिए आए थे वो फंस गए, उनको सहारा दिया। कुछ ऐसे मजदूर जो नॉर्थ ईस्ट से आए थे, मेघालय मिजोरम से आए थे, उनको सहायता दी। ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे 21 हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से कई हॉस्पिटल्स के अंदर आइसोलेशन सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। ये जो सेंटर्स बनाए हैं, इनका जो मैनेजमेंट है वो हमने हेल्थ विभाग को दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेज हमारे पास ट्रेंड नहीं है, लेकिन उनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो सारा रेड क्रॉस कर रहा है। हमारे पास एम्बुलेंसेस थी, 200 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज जो है रेड क्रॉस की, वो हमने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डिस्पोजल पर करती है। कई स्टेट्स के अंदर होम डिलीवरी ऑफ राशन, होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, और जैसे गुजरात के अंदर जितने हमारे थैलेसीमिया पेशेंट हैं, जितने हमारे डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, जितने हमारे कैंसर के पेशेंट हैं, उन सबको जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो हमारे रेड क्रॉस वॉलंटियर्स पहुँचा रहे हैं। कई स्टेट्स के अंदर जो पब्लिक प्लेसेज हैं उनका डिसइंफेक्शन भी रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने किया। दिल्ली के अंदर भी हमने कई पब्लिक प्लेसेस में, कई सरकारी भवनों का भी डिसइंफेक्शन किया है। जैसा सर आपने बताया, एक नई शुरुआत गुजरात ने करी है, जो पिछले 4 या 5 दिन से करी है, जिसमें जो कोविड से रिकवर हो गए उनकी काउंसलिंग करी है, उनका डेटाबेस बनाया जा रहा है, ताकि जब भी ज़रूरत हो इनको काउंसलिंग करके इनका प्लाज्मा लिया जा सके। जहाँ तक ब्लड सर्विसेज की बात है सर, हमारी जो ब्लड सर्विसेज है, इस प्रॉब्लम से पहले अगर हम दिसंबर की बात करें, नवंबर की करें या जनवरी तक की भी कर लें, तो सर हमारी जो एनुअल कलेक्शन थी रेड क्रॉस के ब्लड बैंक्स में वो करीबन 40,000 से यूनिट्स से ऊपर थी। अब वो जो कलेक्शन है वो 20-21,000 के करीब रह गई है। हमारी जो बेसिकली जो रिडक्शन है वो अबाउट 50% है, लेकिन चूँकि डिमांड भी कम हो गई है, तो आपके स्वास्थ्य मंत्रालय से भी और हमने भी लगभग सभी स्टेट्स में बात करी है, स्टेट्स के अंदर स्थिति अभी तक ठीक है, कंफर्टेबल है, ऐसी बेसिक शॉर्टेज कहीं नहीं है, बल्कि 1-2 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास सरप्लस है। लेकिन जैसे जैसे सर समय बीत रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि अब शॉर्टेज की फीलिंग हमें, वी विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स, अदरवाइज शॉर्टेज को हम महसूस कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर सर आपके निर्देश के अनुसार हमने 24/7 कंट्रोल रूम कर दिया है, 38,000 के करीब जो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं उनसे हम कर रहे हैं, और आपने जैसे बताया हम पिक और ड्रॉप की फैसिलिटी कर रहे हैं। ये जो हमारी हेल्पलाइन है, जो कंट्रोल रूम है, कई स्टेट्स के अंदर, मध्य प्रदेश में इन्होंने हर जिले में एक हेल्पलाइन स्टार्ट कर दी है, आंध्र प्रदेश के अंदर हमारा ये कंट्रोल रूम है, और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स, अगर हमारा ब्लड बैंक नहीं भी है तो हमारे वॉलंटियर्स मोटिवेट कर रहे हैं डोनर्स को, और जितने सरकारी ब्लड बैंक्स हैं उसके अंदर ज़्यादा दिलाए जा रहे हैं। बेसिकली सर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं ये बड़े निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, और सभी ब्रांचेस के अंदर काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। चूँकि सर समय का अभाव है, और जैसा आपने चाहा है, तो हम चूँकि मैंने ब्रॉडली आइडिया दे दिया है, तो मैं अपनी कुछ ब्रांचेस से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गतिविधियाँ माननीय मंत्री महोदय के ऑलरेडी नॉलेज में हैं और जो मैंने बोली है उसको रिपीट ना करें। पर इससे पहले कि मैं आपको बोलूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ रेज करना चाह रहा हूँ कि आजकल व्हाट्सएप पे या बाकी अन्य सोर्सेज से इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी जानकारी, इतने सारे सुझाव आते हैं, तो ये हम लोगों का दायित्व है कि हम ये इंश्योर करें। और 1-2 स्टेट्स में फेक न्यूज़ के लिए भी हमारे वॉलंटियर्स को बोल रही है कि जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है हम उसको यूज़ करें और उसको हम स्प्रेड भी करें। तो सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है वो माननीय मंत्री महोदय हैं, इनका अपना जो पर्सनल ट्विटर हैंडल है या जो इनका फेसबुक है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री का जो फेसबुक है, फेसबुक पेज है या जो उनका ट्विटर हैंडल है, उसको हम नेशनल हेडक्वार्टर से रीट्वीट कर रहे हैं, उसको रहे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी
क्योंकि ये सबसे अथेंटिक है और दिस विल बी बिग सर्वे, जितने भी हैं काफ़ी मात्रा में डेली ट्विटर और मैसेजेस होते हैं, आप अपने माध्यम से इनको रीट्वीट करें और से ज़्यादा से लोगों को तक ये पहुँचाएँ, ताकि हमारी जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो पॉपुलेशन एट लार्ज सबके पास ये पहुँच जाए। इसके अलावा सर मैं आपको आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल माई कोलीग्स कि हमें आपसे कंटिन्यूसली दिशा निर्देश मिल रहे हैं, मिनिस्ट्री के जितने भी एडवाइजरीज हैं वो हमने सभी ब्रांचेस को कराए हैं, और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनकी लिस्ट हमने मिनिस्ट्री को भी दी थी, मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स में दिया और सभी स्टेट्स को हमने भी दिया, और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं ये स्टेट से हर स्तर पे, स्टेट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनके साथ इन कॉन्स्टेंट टच है और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम कर रहे हैं। इसके कहने के बाद चूंकि आई वुड लाइक टू गिव ए की फ्लेवर ऑफ डिफरेंट रीजंस डिफरेंट जोन्स पर, सो मे बी आई विल स्टार्ट एंड सर विद योर परमिशन कैन आई पिक अप 5-6 स्टेट्स वेयर आई विल रिक्वेस्ट, सो मे बी या So we in Odisha, Red Cross, the state government of Odisha has given us 44.5 crores just immediately after the lockdown was announced, the first phase was announced, and this has been pitched with all the district Red Cross branches, where our own volunteers and the district branches are together functioning across the state, sir. So we have over about 9,800 volunteers across the state in all the districts. And these volunteers are from amongst the Youth Red Cross and the Junior Red Cross fellows, and they are being guided by their counselors and coordinators across the state. And so we are working in very close coordination with the district administration and the state government, and we have been carrying out the mandates of the central government and the state government very relentlessly in aspects both of social distancing and social and personal hygiene and all other aspects, sir. So simultaneously, our volunteers are also involved in providing food, supplying food for people who have been stranded across the different places in very remote corners of the districts and some places in Bhubaneswar itself. So we have given them dry ration and cooked food as and when the requirement arose, sir. And we have will continue doing it for some more time. So we have about 65 cyclone shelters in our state in 7 districts. Of the 65 shelters, 9 shelters have been converted into isolation centers. Although people have not started moving in, we are all prepared for it. It was taken over by the Department of Health and Family Welfare, sir. And our voluntary block coordinators are placed in all these isolation centers. Now these voluntary block coordinators are working hand in hand with the district administration, the panchayat sarpanches, and the secretaries of the panchayats in providing support, firstly for the cooked food and in social distancing and other aspects of awareness. So we have our biggest challenge, sir. In fact, the challenge will begin now for us. And this is from my personal experience, where I was collector Bulandir and I was revenue division commissioner of the southern division, Ganjam being the headquarters. Sorry, Barnapur was the headquarters. We have a lot of migrant workers in places like Surat, where they are in the textile mills. We've got about 5.5 lakh odd families, people from Odisha. We have a lot of about 1 lakh odd people working in brick tins at Andhra Pradesh, Telangana, and Raipur. We have people from Kendrapada who are working as plumbers in different districts. We have people from cooks who have gone to West Bengal and who have come back also. Recently, the number of the cases in Orissa has risen because some of these people had come into Orissa in an ambulance. And then we have people working in Tamil Nadu. So what happens now is the 26th of April is our threshold date here, because we have this Akshaya Tritiya that day, where the first seeds will be sown for the curry harvest, sir. Now the problem now is that after once the lockdown, the second phase of the lockdown is withdrawn, all these people will certainly come back, because they come back in April and they'll go back after the harvest is over in November, when the Nuwakhai is over, sir. So our biggest challenge that I foresee now is these people coming in after the 3rd of May, once the lockdown is lifted, their screening, and they're being quarantined, and whatever means of taking them forward.
We have discussed this matter with the district administration of Punjab, and we have together decided that we from Red Cross will be stationed in different places, stations and bus stands, to receive these migrants, register them, do the initial screening along with the support of the paramedicals, and from there on we'll take them forward to the isolation centers, because they have to be quarantined at least for 14 days minimum. This is our biggest challenge here, sir. And for this purpose, we have spent about 25 lakh to 30 lakhs in procuring material for our own volunteers in the field, who will be using these masks and gloves and, you know, all these other things. So this is our biggest challenge immediately. And having said this, I'd like to again thank you for giving this opportunity, sir. But we certainly with you in carrying forward the principles of Red Cross, and I'm sure, sir, we will do what best we can without any problems for you. And thank you very much for thank a very, you. Very kind thank words, you, both you and thank you, thank you, Subhna, since you'd like to give opportunity to more. So my request to aap logo ko hai ki kindly be brief, don't repeat the activity which I have said. So maybe now I can go over to Tamil Nadu, Dr. Mehta. Dr. Mehta, if you are there, so can you take over and just in few minutes, if you can mention your activities, especially the 180 to 50 vehicles that you are managing on account of state government. Dr. Mehta, are you there? Yes. This is Harish Mehta, chairman of Tamil Nadu branch. We have got a little specialty type of vehicles here, where we receive about 180 vehicles which are available with us for transportation of the patients from their house to the hospitals for treatment of various diseases and for dialysis. And also we arrange medicines to be delivered at their houses in the vehicles and by the volunteers. This is one type of main activity which is going on for the last about 20 days. The second point is that we have been started with the awareness on corona, publicizing, regulating the crowd in the vegetable markets and the grocery shops, and making people aware of the distancing method which has to be adopted to be away from corona. Apart from that, we have about 1,100 volunteers very active throughout Tamil Nadu, where we have about 35 districts and about 80 sub-branches. We have our youth Red Cross volunteers, junior Red Cross volunteers, doing a fantastic job taking care of the people from other states who are here working, providing them food, and also with the ration shops. We have been getting various calls from throughout India about the laborers to be taken care in Tamil Nadu. We are doing the job, and we are also supplying masks, sanitizers to the various government departments. We are in close touch with the government, and with their help, we are doing whatever possible by us. And we also receive utmost cooperation from our national headquarters, Secretary General and officials, in the carrying out of the corona duties. And I request our honorable minister to appreciate our Red Cross people throughout India who are on the job doing good activities. And since we are doing this job without any fear complex, our volunteers are working throughout day and night, whatever is given by the administration. Thank you for the opportunity given. Thank you, Dr. Mehta. Our Honorable Minister has already appreciated in full steam the good work being done by volunteers, but yes, we know. So maybe from Tamil Nadu, I can come to Haryana. Sharma ji, agar aap जो आपके शेल्टर के शेल्टर होम्स आप चला रहे हैं, जो आप एनजीओ से सपोर्ट ले रहे हैं, अगर आप उसके बारे में दो तीन मिनट बता दें, बाकी एक्टिविटीज और ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। सर, हरियाणा में 22 जिले हैं, हम हरियाणा सरकार के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारे 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर हैं और 1,050 से ज्यादा हमारे पास वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत स्मूथली सुबह से लेकर के रात तक जब तक खाना दिया जाता है, हमारे वॉलंटियर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 5,000 फूड पैकेट प्रतिदिन पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग स्थान पर हमारे वॉलंटियर के माध्यम से दिन रात दोनों टाइम पहुंचाते हैं। और हमारे जो सेंटर होम है, जहाँ पर 70,000 से ज्यादा हमारे जो प्रवासी भारतीय रह चुके हैं, खास करके बिहार में यूपी के दो लोग यहाँ रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उसके साथ उनको हर तरह के मास्क, सैनिटाइजर,
उनको मोटिवेट करना, सब काम हमारे हरियाणा प्रदेश के वॉलंटियर हर जगह एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 130 एम्बुलेंस गाड़ियां हैं जो एनजीओ के माध्यम से हमने ली है, और 31 एम्बुलेंस हमारे हरियाणा रेडक्रॉस की है जो हमने प्रशासन के साथ मिलकर के काम कर रही है। इसके साथ साथ सर, हम जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन सर्विसेज है, हरियाणा प्रदेश में ब्लड की शॉर्टेज हमने पूरी कर दी है, और थैलेसेमिक पेशेंट को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है, और लगभग 7000 यूनिट हम इस लॉकडाउन पीरियड में इकट्ठा कर चुके हैं, और हमारे वॉलंटियर दिन रात इसमें काम कर रहे हैं जो पिक एंड ड्रॉप के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से हम ब्लड बैंक को ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर एक बात और है कि जो कच्चा राशन है वो भी हम हमारे वॉलंटियर एनजीओ के साथ लेकर के और रेडक्रॉस के साथ मिलकर के प्रतिदिन 2 से 2500 परिवारों को हम कच्चा राशन पहुंचा रहे हैं, और इस प्रकार से हमारी जो रेडक्रॉस की गतिविधियां हैं हरियाणा प्रदेश में जूनियर रेडक्रॉस यूथ माध्यम से चल रही है। अभी क्योंकि हरियाणा में कुछ जगह लॉकडाउन किसानों के लिए छूट दी गई है, तो उसमें हमारे जो वॉलंटियर है वो खेतों में जा जाकर के मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरपंचों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मंडियों में जाकर के मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं। सर आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत आपका आभार, और जो हमारे वॉलंटियर हैं एनजीओ हैं इनको खास करके अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और क्योंकि हम नेशनल हेडक्वार्टर के साथ बिल्कुल टच में हैं और हमें हर तरह की वहाँ पर मदद मिल रही है। धन्यवाद। थैंक यू शर्मा जी। सो फ्रॉम हरियाणा आई कैन शिफ्ट मूव टू आंध्र प्रदेश। डॉक्टर श्रीधर रेड्डी इज द चेयरमैन, इफ यू आर देयर ऑनलाइन कैन यू गिव एन आइडिया स्पेशली अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ योर कंट्रोल रूम। डॉक्टर रेड्डी। यस रिस्पेक्टेड सर, नमस्कार, कैन यू हियर मी सर? यस आई कैन। यस सर, रिस्पेक्टेड सर, नमस्कार, आई एम डॉक्टर श्रीधर रेड्डी, चेयरमैन आंध्र प्रदेश स्टेट ब्रांच। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए हेल्पलाइन सेंटर, टोल फ्री सेंटर, इट्स वर्किंग फॉर 24 आवर्स। सो वी हैव 2000 वॉलंटियर्स वर्किंग डेली फ्रॉम द लास्ट 1 month, and our volunteers get up at 5 o'clock and go to the vegetable market. There we mark the lines. Especially going to the quarantine centers and providing them toiletries and food and the fruits. And one more thing, sir, from the first day itself, our women wing made this mouth mask, more than so far 2.1 lakh mouth mask made by our Red Cross women wing volunteers with the help of pilots. So we are providing the mouth mask to the people. So far we have distributed 4.4 lakh food packets. We have established almost 21 community kitchens in all the 13 districts. And one good thing is most of the philanthropists, they are giving us the dry rations. And so that we are not spending anything, we are getting all the dry ration and we are preparing food and giving to the people. And one more thing, we are preparing sanitizers. Our Red Cross volunteers are preparing sanitizers, buying solution, and we are preparing sanitizers. More than 10 to 20,000 sanitizer bottles have been distributed. And all the 13 district branches are very vibrant. And we are maintaining this, we are conducting these awareness camps. Before the lockdown period itself, we have conducted these awareness camps. And we have many stranded workers in our state, especially from Orissa, Bihar and Rajasthan, because our honorable governor is from Orissa. We have given all the dry ration to all the stranded workers from Orissa. And more than 5,000 stranded workers have been taken care by our Red Cross district branches. And also our this control room is working for 24 hours. We are attending each and every call. And medical side also, we have ambulances and we are carrying them to the hospitals. And we are taking care and each and everything, sir. Thank you very much, sir, for your support. Honorable Nishadi and our national headquarters also giving us a lot of support. And we, one more thing, I want to request you, sir, because all our Red Cross volunteers,
staff are working for the last 1 month. I want to include them in the health schemes of this insurance scheme. This is my request, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Dr. Reddy. And now I'll request Assam, either Mr. Diganta or Chairperson. Diganta, if you can also give an idea of the 1,200 people who lost their shelter because of recent hailstorm. Diganta, if you can very quickly, and also mention about the shelter homes that you are running. Mr. Diganta from Assam, are you there? Mrs. Das, are you there? Either of you? Yes. Yeah. Diganta. I can see Mr. Diganta. Diganta, please go on. Thank you, Dr. Namaskar, sir. We are running the shelter home where from different places of India people are staying. It is 100 people are staying at this moment and number is increasing. Apart from that, we have arranged another 10 shelter homes where we can keep people, but at this moment it is not required, but it is with the district administration we have collaborated, and if it is required, those places we can provide. Apart from that, sir, as you have mentioned that recent hailstorm, many people have lost their homes, so we have distributed tarpaulins so that they can make a makeshift home and they can stay. But the biggest challenge is this upcoming flood, where we have to work, and for that we are also preparing. Apart from that, sir, with regular coordination with the Honorable President, Assam State Branch, and with the district administration, we could mobilize training programs for the municipality workers, even for the police, on hand hygiene, sanitation, and also for social distancing and do's and don'ts of COVID. So this is a very important work that we would like to continue, and I hope this will be regarded as well. So this is the these are the Thank you, Diganta. So may I now request Dr. Reddy from Telangana, Dr. Reddy, who is also Dr. Reddy, if you can very briefly. Yes, Dr. Reddy. Yes, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. At the outset, let me compliment our Honorable Health Minister for being proactive right from the day one, for directing and giving the guidelines to contain the COVID disease. As far as Telangana Red Cross is concerned, we have got 11,300 volunteers on the field, spread over 33 branches, sir. And the main core activity which we have concentrated is on the blood donation camps. Because once the lockdown was announced, there was acute shortage of blood, especially for the thalassemia patients and sickle cell patients who regularly need the blood. So once the Red Cross has given call to all the NGOs and the public representatives and to the people at large, they have responded very well. And in this 1 month, we have conducted 72 blood donation camps, totally collecting about 4,441 units of blood, which is a record in this year. And that we have seen that we have coordinated with all the government hospitals and their throughout the state. We have seen that we are coordinating with the National Health Commission and the Commissioner and Family Welfare, so that wherever there is shortage is there, the Red Cross blood banks will cater to the blood, because we have collected very much. So now the availability is being streamlined, and all the thalassemia patients and sickle cell patient families, they are very happy, sir, in this field. And the other activities, as we have shared, and other my good friends, they have shared, all those activities are being carried with the active cooperation and the moral boost from our Honorable Governor, who is also the President of this. Thank you, Dr. Reddy. So, I'll request Dr. Bhavesh Acharya from Gujarat, if he can very briefly in 2 minutes mention if he's there. Dr. Bhavesh Acharya, if he's not there, maybe we've discussed about what's happening in Gujarat.
So we are in Delhi. So Dr. Kamath, if you can very briefly mention what you are doing in Delhi. Dr. Kamath. Focusing on food distribution in three big districts, Northwest, West and Southwest districts. And today we are distributing about 22,800 food packets per day. From tomorrow, we have got demand of about 42,000 food packets per day. And till now, from 1st of April, to put it nearly more than 3.5 packets. This is being done through our community kitchens. We have identified 5 community kitchens. And our volunteers are taking care, distributing in coordination with the distribution. All the requirement is in coordination with the district administration, and we are not doing anything separately on our own. And second activity which we are doing is supplying the life-saving materials like PPE kits, 195 masks and surgical masks to the COVID hospitals. So till now we have supplied nearly about 40 lakh of surgical supplies to the hospital and the health department. And third, different activity is awareness and other activities from our volunteers. We have got about 110 volunteers distributed in entire Delhi district. Thank you. Maybe we can end the last one. We can request Karnataka, Mr. Naganna, if you are there, can you just very briefly in 2 minutes mention from Karnataka. If Mr. Naganna is not there, then Prashanti ji, General Secretary, either of the two. Yes, Naganna, I am here, sir. Good evening, sir. Sir, can you hear me? Yes, please. Yes. Hello. I am Naganna, Chair of the Community Secretary speaking, sir. Hello? Yeah, we can hear you. Please go ahead. Yes, sir. In Karnataka, just the government took you that statistics 418 is positive and 199 is released and 272 is active and 17 death. Sir, we are working in association with DIP, the Department of Information and Public Relations, and Labor Department, and Red Cross is doing accompanied with awareness program like hand sanitizer, masks, soaps, and supervision of home quarantine people. Those who are there and our volunteers are they are working very well, and we are given separate areas to watch the quarantine people. They should not come out. And also, we are make them very good informants. Their informant is valid to the department. For the info dump, what we call, you know, that proper information we are giving. And you know, that soon after I received this COVID order, you printed about 2 lakhs of handbills and we are circulated throughout the state of 30 districts. And we are looking after the stranded people, our laborers, our nomads from different states. And we are also feeding them. And we are distributing about 30,000 liters of milk free from KMF daily. That task is taken by Red Cross. And we are doing very effectively. And we are distributing ration to that, you know, needed, that is, what said, these people of labor and construction nomads and all that. And ration card and what we are coordination with the district collectors. Very much happy. The performance of Red Cross and Labor Department has given us 4.5 crores to look after this all this this one, and the same amount is remitted to the Red Cross. Red Cross is paying to that, you know, the suppliers also. And one information I want to give you, sir. In Karnataka, one kiosk is developed instead of PPE kits, sir. That can be used for longer, and this is 4 feet by 4 feet and 8 feet height. That is, we are working out for the hospitals. And one in Tumkur district, it is working in a Madhigiri taluk, sir. And sir, one point I want to mention, sir. What sanitizers we are giving to that poorer people, it is harmful because 70% of alcohol is in the sanitizer.
And usually that an alcohol is not available in this one of the world. They are addicted to this one. We are very much advocating to the key more soaps and handmade sanitizer, handmade masks through our self-help groups are the stitching all the this one. And every day you are getting 5,000 to 10,000 handmade and you are distributing all over the state. Sir, that in Karnataka state is having little bit support to the district units. I am distributing 1.5 crore for the 30 district. Each district will 5 lakhs from our own fund. We are giving this one, sir. And the corona warriors are there. About 18,000 warriors are registered, sir, through DITR and Labor Department. They are working very fantastic. And Vidyarthi Parishad people, that volunteers in Bangalore, they are working wonderful. And all over the state, we have given all Red Cross municipal packets of 2,000. And all over Bangalore, they are giving this one. And also from the state Karnataka branch, we have supplied about 4,000 visible jackets throughout the state and well identified by all the people who say that the deputy commissioner or the district collectors are very much happy to see that and they are very much accepted the Red Cross. And in future, whatever the works like that, any eventualities, the Red Cross is very much efficient to do that work. And self-help groups I have already told. And the Red Cross is in some districts. It is giving medicines to those who are ordered. We have put some volunteers in the talukas and we are given their numbers. Any medicine is needed and we are supplying to the doorsteps. At free of cost to some extent of money, we are supplying and all over there, our volunteers are there to hear and supplying door to door. And I am doing one documentary for that in future. I will show what that vigorous work the Red Cross of Karnataka has done and lot of things to say. And PPE kits nowadays have become something that what is the GSM are not very much supplying that. And that's why we are ordering, it is cost about 50,000 rupees. If a kiosk is there and that you know, thermo scanner is also with it and everything. And the doctor is also stretched his hands outside to see that paper and that hands and also examining his own cover to his hands and all that. It will do a very good job. The 6 hours PPE on his body is very difficult to that doctors. That's why we are practicing that. Sir, thank you very much. Thank you. Lot of things to say. Thank you, Mr. Jain, and all our leaders from all parts of the country representing the great voluntary organization Red Cross. I am so happy to hear from representatives of Haryana, Delhi, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Assam. And I was told that there are many others also there, but due to constraints of time, we have not been. But I could get a very fairly comprehensive idea of the great good work being done by our Red Cross volunteers all over the country under the leadership of all of you who are spearheading this great movement all over the country. And I could know so many aspects of the various activities that you are trying to do all over the country, helping people in distress, providing them with food, providing them with masks, providing them with medicines, providing them with monetary help, and of course facilitating the blood donation movement, motivating, informing, facilitating blood donation from voluntary blood donors. I think this is a great contribution from all of you, and I have to place on record my appreciation for all the Red Cross people all over the country.
Even at the cost of repetition, I want to highlight a couple of things once again, that this movement for ensuring that during this COVID crisis, nobody should suffer in the country because he or she could not get the blood because of the crisis, and especially for the patients with thalassemia and sickle cell anemia, etc., those who require regular blood donation. We have to ensure that even during this crisis, we facilitate the voluntary blood donation movement, and we have ensured that either by facilitating or providing logistics for these blood donors so that they can be picked up from their homes and brought to the blood bank, there they can donate, or we move out and along with our ambulance and our this van, we go to their localities and call those blood donors and others in that locality. They can come and donate inside the van. And so this movement should not stop. And we all have a list of these voluntary blood donors who would be over eager and over enthusiastic to donate during this crisis, because it's only a question of informing them that this facility is available for them, where they can be picked up from their homes or you can go to their homes. So this is something which I think we must take up quite proactively. I'm happy that you already have a 24 hours helpline for such people in distress, and then the activity which would require to be sort of strengthened now is to ensure the availability of convalescent plasma for those serious patients of COVID-19. As I had said in the beginning, that we have now with ICMR and the Drug Controller of India, we have a very defined protocol. Because these are in fact clinical trials, and they are based on some of the good encouraging reports that have come from all over the world. So all those who are willing to, number one, provide convalescent plasma, and all those who are willing to give it to their relatives in situations where the COVID patients are critically ill. Organizations like Red Cross and volunteers like you all will have to facilitate this. It will require, number one, motivation and counseling of the patients who have recovered from COVID so that they are willing to donate, and then also to sort of facilitate all this activity at a number of places. I was just told that it has started with one patient in Gujarat, but this is something which we could do all over the country, because right now we have a few thousand patients already admitted in various hospitals. Although when I take the report from our health ministers and other health officials from all over the country, not many people are in critical stage, not many people are on ventilators, not many people are in ICUs or on oxygen. But even then, for those who are the very minuscule number who are critical, we can ensure that we provide all these availability of the convalescent plasma also. One thing which I want to emphasize, because there was a talk about the distribution of these sanitizers and all. So I think it is not necessary that everyone would require a sanitizer. A simple hand washing with soap is, as a doctor also, I can tell you that I haven't used any sanitizer till now. Even in my home, I don't use a sanitizer. Simple hand washing with soap for the 20-30 seconds is more powerful than the sanitizer. And we don't have to run for regular masks, which are like, say, maybe
people are running after N95 masks, surgical masks. So we have time and again given guidelines and informed the people that what you need is only a face mask. The mask that I am using is a simple khadi mask. I think that you can see yourself, and I use it all the time. So we have to tell people that they can make these simple homemade masks or a face cover inside their homes. So not even one single person will be deprived of it. And we have to educate and communicate with the people that now in this crisis time it is safer to cover your mouth and nose with a face cover. Could be a handkerchief, could be a simple mask made out of routine cloth when you go out of your home. And this is something that we would like you to propagate this message, because sometimes people are like having a mask but they are using it like this. This is of no use. They have to be told that you have to cover your nose and mouth, and this is the message that we have to propagate. In our science and technology ministry, we are working very hard to go up to the vaccine stage, trying to discover new drug molecules and discover new scientific technology for testing, etc., etc. Also doing genetic sequencing. You will be happy to know that India is also one of the 5-6 countries in the whole world where we have isolated the COVID-19 virus, and now we are on our road towards development of vaccine. But as long as we are not able to get the vaccine which will help a single individual protection from COVID, I have said it on number of occasions that for the country and for the whole world, till that time, social distancing or physical distancing, what we can say, plus the lockdown, they remain the most potent social vaccine which helps people in big way. So we have to all the time ensure that the guiding principles of social distancing and lockdown and the spirit of both of them is honored and respected by the society. And you all, the Red Cross people, have to lead by examples. You have so 40,000 volunteers everywhere in the society, wherever you are working. This message should be loud and clear that these are the people who are the volunteers, but they are all following all this. Because on the television, when we see a lot of such scenes where during food distribution and distribution of all those other things, there is so much of overcrowding, and many times these scenes on the television, they disturb me quite a bit, because I feel that these are my areas which will be the real bottlenecks towards our success in our fight against COVID. So you as volunteers who already command so much of respect in the society, you can actually ensure it's not only the distribution of food or something that is important, but it is also important that while distributing, we are also not distributing the disease. Because we have come across instances in Delhi at number of places where in poor areas inhabited by slum dwellers and all, the people who are distributing food, they are not taking care of the social distancing norms. And they have given the food, but also they have also facilitated the spread of the disease in those areas. So these are some of the very important things that you all have to make sure that they are all very committedly, sincerely, with perfection and meticulous precision, they are all followed. And I am sure that you have a long history, long record of working for the people, for the society, and you have enough of experience of working in troubled situations. No doubt that we haven't seen a pandemic like this since we were born. But definitely we have seen many critical situations of different nature where we have helped society out of the way. And so we have enough of experience, but this is a different type of situation. And
I can, as a doctor, also say, which I want all of you to communicate, that it is not some sort of a rocket science that you need to protect yourself and your family from COVID. If we are intelligent enough, COVID cannot come near us. And that is the message which is required. Very small interventions about hand hygiene or respiratory etiquettes and the covering of face, social distancing. These are very small routine things that we need to. That's why we had put that caller tune in the telephone subscribers. Is a 117 crore telephone subscribers, day in and day out, they hear that caller tune, which just gives you small messages. But the messages have made every person, even in the remotest of villages, very intelligent. I see that the people in the villages, they are more disciplined and they are more committed and they are following the things more religiously than the people who are living in urban areas. So you have a great responsibility at hand, and I'm sure you'll do the best for the people of India. With these few words, once again, I salute you and I thank you and I compliment you. And also I would wish to express my gratitude to Mr. R.K. Jain for organizing this video conferencing with all of you for me. Thank you so much. Thank you, sir, on behalf of all of them. Thank you so much time for giving us clear guidelines, for giving us clear directions of what to do. We've noted down and we assure you we will not be felt wanting. We will ensure continuous supply and intricate supply of blood services. And we've also noted down your advice for counseling for आज मैंने देश भर के इंडियन रेड क्रॉस के 40,000 वॉलंटियर्स की जो लीडरशिप है उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है. वो देश भर में बहुत सारे सेवा के कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनका अभिनंदन किया है, उनकी सराहना की है. सारे देश भर में किस किस प्रकार के काम रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स के माध्यम से हो रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त की है, और उनसे विशेष रूप से समाज में जहां वो तरह तरह का सामान बांट रहे हैं, फूड पैकेट्स से लेकर दवाइयों तक और दवाइयों से लेकर मास्क और दूसरे किट्स इत्यादि तक, उनके साथ साथ मैंने उन्हें कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको और लॉकडाउन के प्रिंसिपल्स को गहराई और गंभीरता से वो फॉलो कराने में लोगों को एजुकेट करें. और विशेष रूप से इस कोविड के क्राइसिस में देश में कहीं पर भी जो ब्लड की शॉर्टेज ना हो, इसके लिए स्वैच्छिक रक्तदाता वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करने वाले जो देश के जो हमारे महान डोनर्स हैं, उनको चाहे घर से लेकर ब्लड बैंक तक रेड क्रॉस के लाना है या रेड क्रॉस के लोगों के द्वारा अपनी वैन और अपनी एम्बुलेंस लेकर उनके घर के पास जाकर, चाहे छोटा कैंप एक प्रकार का जिसे कह सकते हैं मिनी कैंप की, एक मोहल्ले में जाकर 10 लोग अगर हैं तो उनको उनके घर से बुलाया, उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर जो है वैन के अंदर डोनेशन किया और उसके बाद वो अपने घर में चले गए. इस प्रक्रिया को स्ट्रेंथन करना है. और इसके साथ साथ जो रेड क्रॉस ने अभी जिस प्रकार से ICMR ने और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा है, जिसके बारे में सारे दुनिया में कुछ कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं कि कोविड के गंभीर मरीज़ों के अंदर वो उनके प्राण की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसके लिए हमने रेड क्रॉस के अपने वॉलंटियर्स को कहा है कि वो जो कोविड से प्रभावित लोग हैं और जो ठीक होकर घर आ गए हैं उनको काउंसलिंग भी करें और उनको मोटिवेट भी करें ताकि वो अपना ब्लड डोनेट करें और उनके प्लाज्मा का इस्तेमाल कोविड के गंभीर हमारे मरीज़ों के लिए किया जा सके. इसके संदर्भ में मैंने उनसे विशेष रूप से आग्रह किया है. साथ में उनकी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके लिए उनको मैंने सराहना करते हुए और कोविड के सच्चे वॉरियर्स की तरह जो है समाज में वो काम करते रहें, इसके लिए सारी जानकारी देश भर से ली है और अपनी बात उन तक पहुंचाई है.